हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अकरम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ऑनलाइन बाय वोकैबुलरीज बेसिक टू एडवांस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 6 अल्फाबेट। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द साउंड्स एंड यूज ऑफ द अल्फाबेट लेटर्स क्यू आर एंड एस विद एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेटर क्यू को डिस्कस करते हैं। क्यू उर्दू के अंदर आमतौर पर काफ की आवाज देता है। याद रखिएगा कि क्यू ये वाहद लेटर है जिसके साथ हमेशा यू का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ रेयर ऐसे अल्फाज हैं जिनमें क्यू के बाद लेटर ए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो पहला वर्ड है क्यू, जिसमें क्यू के बाद यू का इस्तेमाल है और इसमें क्यू की जो साउंड है वो काफ की है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी क्यू के बाद यू का इस्तेमाल किया गया है। कोट मकूला, जिसका मानी मकूला है, इसमें भी अगर हम बात करें तो इसकी साउंड काफ की है। कंकर, इसके अंदर क्यू को मिड में यूज किया गया है और इसके अंदर भी इसकी आवाज काफ की है। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स में क्वाइट, इक्विपमेंट और क्वेश्चन शामिल हैं। अगला लेटर आर है और आर उर्दू के अंदर रे की आवाज देता है। मसलन आर्म, बाजू, ए आर एम। यहां पे आर मिड में यूज किया गया है और इसकी जो आवाज है वो आर की है। वार्म, गर्म, यहां पे भी आर एम से पहले और ए के बाद इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी गर्म है। फॉर्म, शक्ल और स्टॉर्म, तूफान, इन सब के अंदर आर की आवाज रे की है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फर्दर इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगला लेटर एस है और एस आमतौर पर उर्दू के अंदर जे, सीन और शीन की आवाजें देता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में जी, डबल जी, जी ई, आई ई, डबल ई या वाई आए या बी आए तो उसके बाद लगे एस का तलफ्फुज जे का होगा। मसलन रुपीज। अब गौर कीजिएगा कि एस से पहले डबल ई आया हुआ है, इसलिए यहां पर एस की साउंड जे की है। अगला है बेबीज। यहां पे एस से पहले लेटर आई ई इस्तेमाल किया गया है और यहां पे भी इसकी आवाज जे की है। टॉयज, एस से पहले वाई है और इसकी आवाज जे की है। गाइज, स्टोरीज और ट्राइब्स इसकी बाकी एग्जांपल्स हैं। अगला इसका असूल ये है कि एस के बाद अगर इंग्लिश लेटर एच आ जाए तो शीन की आवाज पैदा होती है। कभी कभार अकेला लेटर एस भी शीन की आवाज देता है। तो पहली एग्जांपल है एस यू आर ई, श्योर। अब यहां पे गौर कीजिएगा कि एस के बाद यू आया हुआ है, यू आर, इसलिए इसकी आवाज शीन की है। यहां पे श्योर, एस एच ओ आर ई, साहिल, एस एच जो है वो शीन की आवाज दे रहा है। रश, आर यू एस एच, एस एच जो है एनपी यूज किया गया और इसकी आवाज शीन की है। शेयर, एस एच शुरू में है और यहां पे भी इसकी आवाज शीन की है। अगले असूल पे इसके मूव करते हैं।